सरकार ने नहीं सुनी तो टीकमगढ़ के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने पेंशन बहाली को लेकर भगवान भोलेनाथ को ज्ञापन सौंप कर मनोकामना मांगी है, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली करने की बात कही है और जहां पर अध्यापकों ने एनपीएस को राक्षस बताया है। विगत दिवस आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के सैकड़ों अध्यापक शिक्षकों ने टीकमगढ़ शहर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित कुंडेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ के चरणों में नारियल अर्पित कर पुरानी पेंशन बहाली की मन्नत की है। उन्होंने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करो जो बुढ़ापे की परेशानी को समझने को तैयार नहीं है। बुढ़ापा आने पर सेवा से निवृत्त होते ही हम सबको एनपीएस रूपी राक्षस का सामना करना पड़ रहा है। ये एनपीएस रूपी राक्षस हम सबको अंधकार और दरिद्रता के गर्त में धकेल रहा है और प्रदेश के मुखिया हैं कि हम लोगों की मजबूरी सुनने एवं समझने को तैयार नहीं है। अध्यापक शिक्षक संवर्ग निवेदन करता है कि एनपीएस रूपी राक्षस का संहार करो और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करो। इस मौके पर कई अध्यापक मौजूद रहे। आज हम जिले के सैकड़ों अध्यापकों के साथ भगवान भोले के दरबार में मन्नत मांगने के लिए गए थे। हमारी भगवान भोलेनाथ से मन्नत थी एनपीएस रूपी दानव का संहार करें और हम सबको पुरानी पेंशन बहाल कराएं, क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हमारे शिवधाम भगवान शिव में समाहित है। तो हमने भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वो आपके नाम के अनुरूप ही हम सबकी पेंशन का बहाल करें। 25 दिसंबर को प्रदेश में हमारा एक पेंशन बहाली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब आमंत्रित कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हम सबकी पेंशन बहाल करेंगे। टीकमगढ़ से राकेश भास्कर की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.